एक गड्डी में एक दो तीन चार और पीछे तीन और दो आगे, और हम लोग रास्ता भी भटक चुके हैं थोड़ा, ऐसा लग रहा है मुझे हल्की सी गुनगुनी सी वाइब आ रही है। ये इतना प्यारा व्यू आ रहा है कि मेरा कैमरा बयान नहीं कर सकता भाई। राता पानी कितनी दूर है यहाँ से? पीछे राता पानी, तो आगे क्या है? जहाँ सोच वहाँ शौचालय। फाइनली हम लोग पहुँच गए भैया। हो गया अमिताभ बच्चन, उन्होंने मना कर दिया कि विजिट नहीं कर सकते आप, इतनी दूर हम आए हैं। सिटी में जाएंगे 600 रुपए में एडवेंचर पार्क और वाटर पार्क। तो गाइस हम आ गए फन सिटी पे, फाइनली फाइनली फाइनली। फिर ये पूरा एरिया कवर करेंगे हम। अरे तो बहन भाई आए, और हमको बहुत शानदार। यहाँ पे सब उतावले हो रहे हैं वीडियोस बनाने के लिए, सबको बारी बारी से मौका मिला जाएगा। उस्मान भाई ब्लॉग बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन इतने कोने में बैठ गए हैं एक गड्डी में, एक दो तीन चार और पीछे तीन और दो आगे, कितने हो गए? 9 लोग हैं। लंच ब्रेक चल रहा है अभी सब जगह, सबको नाश्ता कर कर आए, तो इकलौता मैं ही हूँ जिसने नाश्ता नहीं करा है। और हम लोग रास्ता भी भटक चुके हैं थोड़ा, ऐसा लग रहा है मुझे हल्की सी गुनगुनी सी वाइब आ रही है, थोड़ा थोड़ा खा लिया। भैया यहाँ पे पब्लिक को है ना जो है वीडियो बनाने हैं, तो गाने का इशू हो गया, गाड़ी रोक दी इसके चक्कर में। देखिए आप हमारे साल भाई ने तो सर पकड़ लिया है। गाना शुरू हो गया है, लोग वीडियो बनानी है, लोग स्टूडेंट ऑफ द ईयर के ऊपर। यहाँ पे सीटिंग इशू हो गया है, यहाँ सीटिंग इशू हो गया है बहुत भयंकर। मैं कैमरे का एंगल भी नहीं सेट कर पा रहा हूँ, इतना इशू हो गया है। अरे देखो यार, गालियाँ पड़ती हैं ब्लॉगरों को। ये क्या हो रहा है आलम भाई, रेस्क्यू कर रहे हैं। सीट बेल्ट को अड़ना था तो तशरीफों के लिए रखा गया है वो। भैया इतना प्यारा व्यू आ रहा है कि मेरा कैमरा बयान नहीं कर सकता, कांट डिस्क्राइब, सो ब्यूटीफुल द व्यू इज, एवरीवन इज स्टंड, आई एम आल्सो शॉक्ड। पानी 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 दिख गया है, पानी दिखा दीजिए अंकल जी। भाई हम लोग उतरे हैं यहाँ पे भूटा खाने के लिए, भूटे के ब्रेक पे पूरी पब्लिक उतर गई है। सुबह ने लोअर पहन कर आई है, फटा हुआ वो भी नीचे से नीचे से धड़ा हुआ से लाइन निकल गई। अरे यार भाई, राता पानी कितनी दूर है यहाँ से? पीछे है राता पानी, तो आगे क्या है? भैया ये राता पानी पीछे है, एक नई उलझन। अपन लॉस जा रहे हैं, जंगल लॉस जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऑलमोस्ट गॉट अ मिनी हार्ट अटैक। द एम इज टू मेक इट एज एडवेंचरस एज पॉसिबल। खतरनाक चल रहा है, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा भाई। तुम आए इधर? शेरबाजी ने नए फोन लिया और नए फोन से बहुत अच्छे फोटो आ रहा है, और आलम भाई को बेला डांस, वो क्या बोलता डांस होता है यार, कौन सा डांस होता है वो यार? अरे वो ऐसे बेली डांस। बाजी मेकअप कर आएंगे और फिल्टर भी लगा रही है, उसके बाद वो अपने आप को अच्छा नहीं समझ पा रहे। सबको फोटो लेना है, सबको मौका मिलेगा। हजरात 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 यार, इतने ट्राइपॉड से ना इतना स्टेबल आ रहे भाई। जहाँ शौच वहाँ शौचालय, शौच नहीं जहाँ शौच। एक अटेम्प्ट करता हूँ इन्हें अप्रोच करने का, इंसान तो नहीं, कम से कम हो सकता है फीमेल जानवर ही आ जाए। हाउ यू डूइंग और इसी के साथ गाइजों का भुट्टा आ गया है, गाइज भुट्टा एंजॉय कर रहे हैं अब, सुबह भी भुट्टा एंजॉय कर रही है। ये पीछे वाली पब्लिक के हाल देख लीजिए भाई। हेलो गाइज, हेलो हेलो, बहुत देर हो गई थी हम लोगों को बैठे हुए, फाइनली हम लोग पहुंच गए। भैया हो गया अमिताभ बच्चन, उन्होंने मना कर दिया कि विजिट नहीं कर सकते आप, इतनी दूर हम आए हैं।
और कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपन मैंने फोन लगाया सुबह, देखो मैं नंबर दिखा दूँ। देखो अंकल बहुत परेशान होके आ रहे हैं, जाने दो। कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्या? थोड़ा सा दूर भी नहीं है क्या? भैया बहुत बड़ी उलझन हो गई है, यहाँ पे 2 बज रहा है और कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम, इसलिए अब यहाँ से निकलना ही पड़ेगा हमें। भाई अब काय का ब्लॉग बना है, हम तो खुद बर्बाद हो गए हैं। अरे मैं क्या बताऊँ कुछ नहीं कर सकते हम, इतना दूर आए थे सिर्फ एक बूटा खाने के लिए आए थे, दूर एक बूटा खाने के लिए। भैया आज की दादा खबर, राधा पानी हुआ कैंसिल, अब हम जा रहे हैं फन सिटी में खाएंगे 600 रुपए। फन सिटी में जाएंगे 600 रुपए में एडवेंचर पार्क और वाटर पार्क का टूर करा के आएंगे। फन सिटी कभी नहीं है तो फन सिटी से बाहर घूमने भी हो जाएगा। राधा पानी तो बोलते हुए जगह है, कभी आना मत यहाँ पे। सही है, चैलेंज शुरू हो रहा है। पहले हमारे कंटेस्टेंट बिलाल भाई जी। बिलाल भाई आगे तुम ही हंस रही हो सिर्फ। चलो शहर अरे यार सही चलो वेदन भाई कहाँ से आवाज निकल रही है जी? सुबिन भाई जी, आलम भाई डरा रहा हो क्या? हमारी वहाँ चोट हो गई, लेकिन अब हम जा रहे हैं वहाँ पे भी इतने शानदार व्यू आ रहा है यार। आज तो भोपाल के हर कोना कोना घूमते हुए जा रहे हैं हम लोग। वेरी ब्यूटीफुल व्यू, आई लव यू। तो गाइस हम आ गए फन सिटी पे, फाइनली फन सिटी। गड्डी से उतरे नहीं है, हो गया लोग शुरू होगा फोटो लेने के लिए। ऐसे चलना पड़ रहा, चीट उड़ा देती है ये चप्पल। तो भाई ये मेरा पहली बार है भोपाल का कोई सा वाटर पार्क आना, इससे पहले जिंदगी में मैं सिर्फ इमेजिका गया हूँ। अगर आपने मेरी इमेजिका वाली ब्लॉग नहीं देखी है तो जरूर देखें उसको जाके। और ये पहली बार मैं वाटर पार्क आया हूँ, यहाँ पे आके देखते हैं, मामला समझते हैं कैसा क्या है, क्या सोच कर आए थे और क्या करने आ गए भाई साहब। हम राधा पानी का वाटर देखने गए थे और वाटर पार्क ही आ गए। क्या आ गए हमारे टिकट और ये आ गए हमारे कैमरे सबके। ये कॉस्ट्यूम्स की प्राइस देख सकते हैं, ये प्राइस है 200 रुपये आपको डिपॉजिट करना पड़ेंगे एज ए सिक्योरिटी, लेकिन 70 रुपये फुल के हैं और शॉर्ट्स के लिए 40 रुपये हैं, बाकी रेट्स आप देख सकते हैं। और भाई रशियन भाई अकेले से आप ले लोगे? लोगों ने सुबाना की पूरी सनस्क्रीन लगा ली, आप देख सकते हैं सब गोरे चिकट्टे हो रहे हैं। हमें लॉकर रूम मिल गए हैं, सबको हमारे कपड़े मिल गए हैं, हम जा रहे हैं चेंजिंग रूम में। गाइस हम आ गए हैं फाइनली वाटर पार्क के अंदर, आप बिलाल भाई को पहचान भी नहीं पा रहे होंगे अभी। नहीं है मेरे पास, सुपेन के पास है। आप देख सकते हैं सुपेन भाई ने चाबी कहाँ बनाई, चाबी बन गई। ये बिलाल भाई हमारे साइम भाई की नगर करते हुए पहली स्टार्टिंग करेंगे इस स्लाइड से, उसके बाद इसको लेके वही मैजिका वाली जैसी स्लाइड से उधर से जाएंगे, फिर ये पूरा एरिया कवर करेंगे हम लोग। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन, ये भाई शाबाश, जाओ आलम भाई। भैया आप जा रहे हैं इस पे राइड करने के लिए ऊपर, हम लोग ऊपर जाना तो काफ़ी वीराना एरिया है यार, काफ़ी वीरान है। तो भाई हमारी इस पे जाने की तैयारी है। हाँ। मुझे भी दिखाना भैया, पहले तुम जाओ दो। ओ, ओ भाई भाई डर लग रहा है, ओ भाई डर लग रहा है। ये हमारे सुपेन भाई आए, अरे वो
बहुत शानदार बहुत शानदार। अरे 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 ये तो पूरी गिर चुका भाई। अरे माँ की ओह माय गॉड। अबे मैं तो पकड़ा ही नहीं, भूल गया पकड़ना। अबे हाथ अंदर रख दे। बहुत तेज आ रही है। बहुत तेज थी ये। लगा गिर जाएंगे। अरे उल्टे हो गए, क्रैश हो गए। ये माय फ्रेंड फार्ट आ गया अकेले बैठ के बेचारा। आलम भाई आ गए बिल्कुल क्रैश होते हुए, वेल मछली गिरी पानी में और ये पलट गई। मेरी अगली राइड है ये, इसमें जाऊंगा मैं अकेले। सब लोग तो अलग जा रहे हैं। हाँ तेज है, वही वाकांडा फॉरएवर वाले रखना पड़ेंगे मुझे। जाए ये बुद्रो। कमर टूट गई भाई इसमें तो, ऊपर से गिरा है पूरा नीचे। काम लगा दिया। इसमें तो नहीं जाऊंगा भाई, बहुत अनसेफ है यार। ये देखो भाई बहुत बुरी लगी है मुझे इसमें अभी, ये बहुत बुरी लगी है मुझे इसमें गाइस। अभी ये यहाँ की पूरी राइड्स हो गई हैं पूरी। अब मैं थोड़ा सा झूला झूला तो मेरे बैटरी का भी इशू हो रहा है। आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चैलेंज दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे चैलेंज हो रहा है सांस रोकने का, देखते हैं फेयर एंड स्क्वायर खेलेंगे या नहीं सब। गो, वेरी गुड। गुड्डे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मरखाना गुड्डा भी एक एक आउट हुआ। देखते हैं कौन है और अंदर, अभी कौन है? ये दूसरा गया, तीसरा गया। बेल मछली अभी बचे, बेल मछली जीत गई, बेल मछली जीत गई। तो भाइयों यहाँ पे हम लोग ये नाली के अंदर आए, लेकिन यहाँ पे लोग पलटते जा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है सबको बैठने में। इसके अंदर बड़ी मुश्किल से वहाँ गए। मैं आपको सबके पास पहुँच के दिखाता हूँ ये क्या माजरा चल रहा है। इसके लिए एक हाथ से आगे बढ़ना भी बहुत मुश्किल है। देख रहे हैं आप भाई को हमारे कैसे पकड़ पकड़ के आगे बढ़ना। कौन है वो? आलम भाई, कौन है वो? आलम भाई हमारे वीडियो सबको खींच रहे हैं भैया। ये भोगते मुल्क के नीचे से जा रहे हैं हम लोग, कैनाल, स्विस कैनाल। ओ वेव शुरू हो गए, अरे भयंकर हो रही है भैया। भैया टाइटैनिक में डूब गए हम लोग, भयंकर वेव हो रही है। तो ओ ओ ओ बचाओ, समबडी हेल्प। भाई आप देख सकते हैं सब ये टाइटैनिक की जहाज डूब गया था, तो उसमें सब वेव से मारे गए, सब बेचारे बच्चे डूब गए। एक जिंदा है, बाकी सब मर गए। हंसते हंसते मरे हैं सब, आप देख सकते हैं। हंसते हंसते मरे हैं, एक की तो जबान निकल गई बाहर। ये बेल पड़ी हुई है, एक बेल भी मर गई थी साथ में, प्रोपेलर के नीचे आ गई थी। तो ये आप देख सकते हैं हम लोग वहाँ से तो आ गए हैं सब सूख फूख के, अपने आप को पोछ पाछ के। अब यहाँ अम्यूजमेंट पार्क पे सबसे पहले जाएंगे ब्रेक डांस पे, सोचा था कि फ्रिसबी पे जाएंगे लेकिन वो बंद है। इसके बाद इस पे जाएंगे और फिर एक बड़ी सी ट्रेन है उस पे भी जाएंगे। लेकिन यार एमएजी का जैसा फ़न नहीं है यहाँ पे, एमएजी का तो बात ही अलग है यार। अभी हमारे तीन गुड्डे नहीं आए, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। पहला ये जो भी डांस है, ये ब्रेक डांस है, इसको झूलने के लिए हमारा फॉर्मेशन जम रहा है। बिलाल भाई नहीं आ रहे, वो दो गुड्डे हमारे नहीं आ रहे, आप पीछे देख सकते हैं खड़े हुए हैं। सब आ गए हैं, सब आ गए हैं, चलिए चलते हैं। गो शुरू हमारा झूला, पूरे झूले में हम ही हैं बस। अम्मी गाय चिल्ला रही है। अब बहुत तेज हल्के में ले रहा था। भाई 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 और तेज। ओ बेबे ये हमारे साथ भाई तो आगे बन करके बैठ गए।
अबे मैं गर्दन दुखने लगी। अबे सर घूम रहे हो। गुड्डों की हालत खराब हो गई, गुड्डों की हालत खराब हो गई, सब खाली पेट थे, सबके उआ उआ हो गया। मज़ा आ गया भाई, इसको तो हकले में लिया था मैंने, हकला बना दिया इसने मुझे। तो भाई सबके हो गए हैं हक्के बक्के गुल, सबको आ गया झूला झूल के भी पसीना, क्योंकि सब थे खाली पेट और सबको दिख गई थी झूले में एक हसीना। खराब हो गई इसलिए इतने सारे झूले छोड़ के जा रहे हैं हम लोग अब पहले कुछ खाने के लिए। मेरे तो फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई तो मैंने फ़ोन उधार लिया है 0% इंटरेस्ट के साथ। भाई तो हम लोग आए, बहुत भयंकर भूख लग रही, सबको सब डाउन हो गए हैं, खाना खाने वृंदावन पे। और मुझे नहीं पता कि कौन कितना खाएगा, लेकिन इतना पता बहुत सारा खाएंगे सब। हम आ गए हैं यहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन पे, सबने बहुत भर भर के ऑर्डर करा है, खाना खाने की करते हैं शुरुआत। सबकी हो चुकी है एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन, और हम लोग आधे घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, आधे घंटे के बाद हमारा फाइनली खाना आ ही गया है और अब हम करते हैं डिग इन। भाई हम लोगों का खाना तो हो गया, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि वृंदावन में कभी भी मत आना खाने, इतनी तेज़ भूख इसलिए खा लिया, वरना हम कभी खाना नहीं खाते। हर चीज़ घी की बहुत ही ज़्यादा तेल की। तो फैन भाई उनकी जॉब लगने के लिए दे रहे हैं ट्रीट, उसके बाद जाएंगे नेचुरल सोर्स। बिल देख के सबका दिल दुख रहा है, कितना है भाई? ठीक है, ओके, नो इशू। भैया यहाँ सब थके आ रहे आए हैं नेचुरल्स पे, सुफेन भाई दे रहे हैं हमारे ट्रीट सबको। भाई हमारा ग्रुप ऐसा है कि यहाँ पे आधा घंटा हो गया, सिर्फ एक आइसक्रीम सामने है, लेकिन उसके लिए भी आधा घंटा में वेट करना पड़ रहा है। लोग अधमरे हो गए हैं, जान नहीं बची है, पानी निकल रहा है क्या पता कहाँ कहाँ से। आ गई फाइनली, देखिए पहले बना लेता मैं वीडियो। तो गाइस इसके साथ होती है हमारी आज का दिन ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए अगले ऐसे आने वाली अपकमिंग ब्लॉग्स के लिए। जब तक के लिए बाय बाय।